अगर हमारे वीडियोस आपको हेल्प कर रहे हैं तो लाइक व शेयर करें तथा चैनल को को करें. करें. जानने के लिए नाउ दिस इज सिंक्रोनाइजेशन पार्ट थ्री इन दिस द वेरियस सॉल्यूशंस अवेलेबल फॉर द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम नाउ डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर

रिमाइंडर सेक्शन को रिमाइंडर सेक्शन मतलब कि जिसमें हम कोई कॉमन वेरिएबल चेंज नहीं कर रहे होंगे उस सेक्शन को प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकता है दिस स्लाइड द वेरियस सोल्यूशन अवेलेबल फॉर द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम वी हैव है सोल्यूशन इन टू टू ब्रॉड कैटेगरी टू प्रोसेस सोल्यूशन जिसमें दो ही प्रोसेस होते हैं जो आपस में कुछ कॉमन कोड को या किसी कॉमन वेरिएबल को शेयर कर रहे होते हैं मल्टीपल प्रोसेस मतलब यहाँ दो से ज्यादा प्रोसेस होंगे जो किसी कॉमन वेरिएबल को चेंज करने की कोशिश करते हैं नाउ इन द कैटेगरी ऑफ टू प्रोसेस वी आर प्रोसेसिथम एलगोरिथम वन एल्गोरिथम टू एल्गोरिथम थ्री विच इज ऑल्सो नोन एज द एजरसन एल्गो एग्जाम में ये इसी नाम से आता है एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द एल्गोरिथम प्रीवियस पेपर्स अगर आप देखेंगे ओ एस के तो आपको इस पॉइंट पर हमेशा एक क्वेश्चन मिलेगा नाउ मल्टी प्रोसेस सोल्यूशन विच मीन जहां पर मल्टीपल प्रोसेसिस कॉमन कोड को शेयर करने के लिए एक दूसरे के साथ करते हैं वहां पर एक जो हम टाइप ऑफ एल्गो पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड द बेकरी एल्गोरिथम टू प्रोसेस सोल्यूशन कैटेगरी में फर्स्ट एल्गोरिथम है जिसको हम एल्गोरिथम वन के नाम से जानते हैं यहाँ पर मैंने दो प्रोसेसिस शो किए हैं पी आई और पी जे आप इसको प्रोसेस पी जीरो और पी वन भी कह सकते हैं यहाँ पर दो प्रोसेस इसलिए दिखाए गए हैं जिससे कि हम कंपैरिजन कर सकें कि दो प्रोसेस कैसे एक दूसरे से कम्पीट करते हैं क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए सो so, इस एलगो में जो हम टेक्निक यूज करते हैं उसमें हम एक टर्न वेरिएबल यूज करते हैं जो दोनों कोड दोनों प्रोसेस शेयर करते हैं टर्न की वैल्यू या तो जीरो होगी या वन होगी अगर हम जीरो नोटेट कर रहे हैं इसका मतलब हम पी आई की बात कर रहे हैं और अगर हम वैल्यू वन रख रहे हैं दैट मीन्स हम पीजे की बात कर रहे हैं कॉमनली हमने इसको पी आई और पीजे कोड को नाम लिए है पी आई इज दिस वन एंड द कॉमन अप्रोच इज जिसका भी टर्न है वो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा दैट मीन्स अगर टर्न इक्वल टू आई है तो पी आई क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकता है और वैल्यूज को चेंज कर सकता है इस समय पर पीजे प्रोसेस वेट करता है इनिशियली टर्न की वैल्यू जीरो है यहाँ पर जीरो का मतलब ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पर जीरो का मतलब है आई और वन का मतलब है जे तो अगर आप इसल्गो को हम देखें तो दोनों प्रोसेस क्योंकि कंकरेंट प्रोसेस हैं एक साथ रन करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही प्रोसेस एंट्री कंडीशन को सेटिस्फाई या इसको चलाने की कोशिश करते हैं जिसके लिए एंट्री कंडीशन सेट रहती है सेटिस्फाई होती है वही केवल क्रिटिकल सेक्शन में जाता है जैसे कि अगर आप यहाँ देखें तो पी चेक करता है इस टर्न वेरिएबल को कि क्या टर्न जे का तो नहीं है इसी तरीके से पी जे प्रोसेस अगर साइमटेनियसली देखे तो वो भी यही चेक करता है कि क्या टर्न आई का नहीं है दोनों एक साथ इस कंडीशन को अगर चेक करते हैं क्योंकि दोनों कंकरेंट हैं तो ऐसा हो सकता है कि दोनों एक साथ टर्न वेरिएबल को चेक करें अगर टर्न की वैल्यू इनिशियली आई सेट है इसका मतलब प्रोसेस पीआई के लिए ये कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगी क्योंकि सेमिकोलन लगा है इसको ध्यान रखिएगा कोलन का मतलब है जब ये ये कंडीशन ट्रू हो तो प्रोसेस कुछ ना करे क्योंकि इनिशियली आपने टर्न की वैल्यू सेट की है तो अगर प्रोसेस इस समय टर्न अगर आई है तो प्रोसेस पी आई के लिए ये कंडीशन फॉल्स होती है जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी आई क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगा क्योंकि पीजे प्रोसेस भी इसी मूवमेंट पे वाइल चेक कर रहा होगा तो अगर आप यहां देखें तो टर्न की वैल्यू आई है देन इसका मतलब पीजे के लिए जो कंडीशन एग्जीक्यूट होगी वो होगी ये सेमी कॉलन जिसका मतलब होता है डू नथिंग तो इसका मतलब अगर टर्न की वैल्यू आई है तो पी आई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करता है जब पी आई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकलेगा तो वो टर्न की वैल्यू को यानी कि इस एग्जिट पोर्शन में टर्न की वैल्यू को जे सेट कर देता है।, That means, अगर I critical section अभी किया है तो अगली बार उसे जे यूज करेगा जैसे ही यहाँ से टर्न की वैल्यू जे सेट होती है यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि वाइल लूप लगा है तो टाइम टू टाइम पीजे प्रोसेस इस वाइल कंडीशन को चेक करता रहता है जैसे ही टर्न यहाँ से जे का सेट होता है आप देखेंगे कि यहाँ से पीजे के लिए टर्न इक्वल टू आई कंडीशन फॉल्स हो जाती है जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी पीजे क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगा और जब पीजे क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकलेगा तो वो टर्न की वैल्यू को आई सेट कर देगा तो बाय दिस वे वी कैन से बाईनली पी आई और पीजे रन करते हैं अगर इनिशियली टर्न आई है तो आई क्रिटिकल सेक्शन में जाता है पी आई प्रोसेस उसके बाद एक बार पीजे प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाता है और उसके बाद अगली बार पी आई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाता है

प्रोग्रेस मतलब हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर एक प्रोसेस का टर्न है यहाँ पर सेट है लेकिन उसे क्रिटिकल सेक्शन नहीं चाहिए जबकि दूसरे प्रोसेस को जो कि क्रिटिकल सेक्शन चाहता है उसको हम क्रिटिकल सेक्शन नहीं दे रहे हैं क्यों क्योंकि टर्न पीआई प्रोसेस का सेट है तो यहाँ क्योंकि ये प्रोसेस अल्टरनेट चल रहे हैं पीआई के बाद हमेशा पीजे चलेगा तभी पीआई दोबारा चल सकता है तो सपोज एक बार पीआई चल चुका टर्न सेट हो चुका है जे का लेकिन पीजे को क्रिटिकल सेक्शन नहीं चाहिए दैट वो वो कोड एग्जीक्यूट कर रहा है जो रिमाइंडर सेक्शन में है तो अब अगर मान लीजिए पी आई दोबारा किसी कॉमन वेरिएबल को चेंज करना चाहता है तो उसे फिर क्रिटिकल सेक्शन में जाना होगा इस इसल कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा बट पी आई कांट क्यों क्योंकि पीजे का टर्न है तो हमेशा पहले पीजे क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा तो बाय दिस वे वी कैन से दैट इन दिस एल्गोरिथम वन प्रोग्रेस कंडीशन विल नॉट बी सेटिस्फाइड वहां पर हम प्रोसेस की विश नहीं देख रहे थेक्शन चाहिए भी या नहीं यहाँ पर उसी चीज को हमने इम्प्रूव किया है कि यहाँ टर्न की जगह हमने एक फ्लैग वेरिएबल लिया है उस फ्लैग में अगर कोई अल्गोरिथम वेल्यू ट्रू पुट करता है इसका मतलब वो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है ना यू कैन सी हेयर हैव एन एरे जिसमें जीरो होगा या वन होगा यानी कि वो बुलियन काइंड kind ऑफ of है वो एरे का नाम क्या है फ्लैग फ्लैग जीरो का मतलब फिर से वही बात है यहाँ पे कि जीरो का मतलब आई और अगर हम देखें तो वन का मतलब होता है जे तो इसीलिए फॉर द जनरल नोटेशन वी हैव रिटेन लाइक पी आई एंड पीजे बट यहाँ पर जहां भी जीरो आ रहा है उसका मतलब है आई और जहां भी वन है उसका मतलब है जे शुरू में जब हम एल्गोरिथम स्टार्ट होते हैं फ्लैग तो और फ्लैग वन यानी कि फ्लैग फ्लैग ऑफ ऑफ प्रोसेस प्रोसेस एंड दोनों को ही शुरू में फॉल्स रखा जाता है अगर किसी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन चाहिए तो पहले वो अपना फ्लैग ट्रू करता है दिट मीन्स अगर पी को क्रिटिकल सेक्शन चाहिए वो रेडी है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए तो वो अपने फ्लैग को ट्रू करता है सी द एल्गोरिथम फिर से मैंने यहाँ पर दो एल्गोरिथम बनाए हैं आपको कहीं भी बुक्स में ये दो नहीं मिलेंगे क्योंकि ऐसा कंपैरिजन कहीं नहीं दिखाया गया है सिंगल एल्गोरिथम की मदद से इनको एक्सप्लेन किया गया है नो, यहाँ पर आप देख सकते हैं जब प्रोसेस पी आई क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है ये जो बॉक्सेज है ये आप शायद समझ रहे होंगे जैसा लेआउट हमने डिस्कस किया था दिस आर द एंट्री सेक्शन क्रिटिकल सेक्शन एग्जिट सेक्शन रिमाइंडर सेक्शन इन द सेम मैनर यहाँ पर भी एंट्री सेक्शन क्रिटिकल सेक्शन एग्जिट सेक्शन एंड रिमाइंडर जैसा हमें लेआउट पड़ा था तो अगर आप यहाँ पर देखें क्योंकि पी आई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन चाहता है तो वो अपने फ्लैग को ट्रू करेगा लेकिन साथ ही साथ उसे ये भी देखना है कि कहीं पीजे के साथ दोनों प्रोसेस एक साथ तो नहीं क्रिटिकल सेक्शन में जा रहे हैं तो आप ये मान सकते हैं कि सपोज इसी मूवमेंट पे प्रोसेस जे ने भी अपना फ्लैग ट्रू किया है ठीक नाउ अगर अगली कंडीशन यहाँ चेक होती है तो आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है वाइल फ्लैग जे इक्वल टू ट्रू कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब है, इसका मतलब मतलब जे जे इक्वल इक्वल टू टू ट्रू ट्रू अगर फ्लैग है आई को ये पता लग जाएगा कि जे ने अपना फ्लैग ट्रू कर रखा है वो भी क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है डू नथिंग दैट मीन्स सेमिकोलन का मतलब है अगर आई को यह पता लगे कि जे भी क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है तो वो यहाँ पर स्टॉप रहेगा आई कुछ नहीं करेगा लेकिन अगर मान लीजिए फ्लैग जे यहाँ पर रहता है इनिशियली फॉल्स कि पी आई पी जे प्रोसेस को इस समय नहीं चाहिए क्रिटिकल सेक्शन इसका मतलब वो अपने जो फ्लैग है उसको फॉल्स रखेगा उस मूवमेंट पे क्रिटिकल सेक्शन में पी आई एंटर कर जाएगा क्योंकि ये कंडीशन वाइल की फॉल्स हो जाएगी जैसे ही क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेगा और उसके बाद फ्लैग आई अपनी वैल्यू को फॉल्स कर देता है कि अब उसे क्रिटिकल सेक्शन नहीं चाहिए जब उसे दोबारा क्रिटिकल सेक्शन चाहिए होगा तो वो फिर से अपने फ्लैग की वैल्यू को ट्रू करेगा

पीजे प्रोसेस ने भी अपना फ्लैग ट्रू किया है दैट दोनों प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहते हैं ये एल्गो सही चलेगा अगर दोनों में से कोई एक प्रोसेस अपना फ्लैग हमेशा फॉल्स रखे और दूसरा ट्रू रखे जब वो क्रिटिकल सेक्शन नहीं चाहते हैं तो एक फॉल्स रहेगा एक ट्रू रहेगा तो ये सही चलता है बट अगर आप देखें यहां पर दोनों ही अगर ट्रू कर देते हैं कि पी को भी जाना है क्रिटिकल सेक्शन में और पीजे को भी जाना है तो अगली कंडीशन आप देखिए क्या होगी वाइल फ्लैग जे इक्वल टू ट्रू सेटिस्फाइड इसका मतलब पीआई के लिए जो एग्जीक्यूट होगा वो ये सेमिकोलन होगा डू नथिंग इधर अगर देखें तो उसी मोमेंट पे अगर इस प्रोसेस ने भी अपना वाइल एग्जीक्यूशन किया है तो इसका मतलब ये भी क्या देखेगा फ्लैग आई इक्वल टू ट्रू जो कि है तो उस मोमेंट पे पी जे प्रोसेस भी होल्ड पे रहेगा क्योंकि उसके लिए भी ये सेमी कंडीशन यानी कि डू नथिंग कंडीशन एग्जीक्यूट होगी इसका मतलब दोनों प्रोसेस एक दूसरे का वाइल चेक करते रहेंगे और यहाँ पर अगर देखें तो एक डेडलॉक क्रिएट हो जाएगा कि ना तो पीआई प्रोसेस आगे बढ़ेगा ना पीजे क्यों क्योंकि दोनों ने ही अपने फ्लैग ट्रू किए हैं और एक ही मोमेंट पे दोनों ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट uh, कर रहे हैं तो वी कैन से दैट वंस अगेन दिस प्रोसेस दिस एल्गोरिथम सेटिस्फाई द कंडीशन वन द म्यूचुअल एक्सक्लूजन बट द सेकेंड कंडीशन विच से प्रोग्रेस तो एक कंडीशन ऐसी आती है जब दोनों अपने फ्लैग ट्रू कर देते हैं और दोनों ही वाइल कंडीशन चेक कर रहे होते हैं तो एक दूसरे के फ्लैग ट्रू होने की वजह से दोनों ही कुछ नहीं करते

so uh, be connected because this peterson algorithm is very important from exam point of view from this unit and uh, if our videos are helpful for you then please like and share the videos and subscribe our channel in case of any query you may write at shorath13 at the rate gmail.com thank you stay blessed